हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। गाइज, इस वीडियो में फाइव यूनिवर्सिटी की वैकेंसी को कवर करने वाली हूँ। यहाँ से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी यूजीसी के नॉर्म के अकॉर्डिंग रहेगी। 7 CPC पेमेट्रिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर एकेडमिक पे लेवल रहेगी। यहाँ मल्टीपल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है एंड इन सब में कैंडिडेट का डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शन होगा, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं लिया जाएगा। तो गाइज, इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। आप इन सब में कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाइंग मोड क्या रहेगी, एप्लीकेशन फीस क्या रहेगी, अप्लाइंग डेट क्या रहेगी, इन सारी चीजों को देखने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस ना हो। हेलो गाइज, मैं कविता कुसुम अपने इस यूट्यूब चैनल कविता हरू क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइज, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको PhD एडमिशन नोटिफिकेशन एंड टीचिंग पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट ऑल ओवर इंडिया से मिलेंगे। साथ ही एजुकेशन सब्जेक्ट से अगर आप UGC नेट, सेट या PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। अगर आप अदर सब्जेक्ट से PhD एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी की प्रिपरेशन आप यहां से कर सकते हैं। तो गाइज, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूं तो उसकी इमीडिएट नोटिफिकेशन आपको मिले, आप उसे इमीडिएट देख पाएं। और अगर आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। तो गाइज, वीडियो को कंटिन्यू करते हुए इस रिगार्डिंग फुल इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये फर्स्ट वैकेंसी की डिटेल है। यहाँ से परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर की वैकेंसी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि किन किन डिपार्टमेंट में वैकेंसी है एंड ये वैकेंसी किस पोस्ट के लिए किस कैटेगरी में अवेलेबल है। नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड फैकल्टी, नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट एंड ये कैटेगरीज वाइज सीट दी गई है फॉर SC, फॉर ST, SC BC, ओपन या जनरल एंड EWS। कैंडिडेट की क्वेरी थी ओपन कैटेगरी क्या होती है, तो ओपन कैटेगरी एंड जनरल कैटेगरी सेम होती है, ओपन को ही जनरल कैटेगरी या UR कैटेगरी कहते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट है एक्वेटिक बायोलॉजी, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है। देन बायो साइंस में प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट की वैकेंसी है। देन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के लिए 2 सीट की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 सीट की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीट की वैकेंसी है। कंपरेटिव लिटरेचर में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है। देन इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 4 सीट की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट की वैकेंसी है। देन इंग्लिश में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट की वैकेंसी है। गुजराती में प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट की वैकेंसी है। फिजिक्स में प्रोफेसर के लिए 2 सीट की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट की वैकेंसी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट की वैकेंसी है। रूरल स्टडीज में प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीट की वैकेंसी है। देन सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 सीट की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है। स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 सीट की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट की वैकेंसी है। बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रोफेसर के लिए 3 सीट की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीट की वैकेंसी है। एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए 2 सीट की वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट की वैकेंसी है। आज यहाँ पर टोटल 18 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। आप जिस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे उसकी कैटेगरीज में देख लेंगे कितनी सीट की वैकेंसी है किस पोस्ट के लिए। यहाँ से पे स्केल को देख सकते हैं। प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14, इंट्री पे 1,44,200 रुपीज। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 13A, इंट्री पे 1,31,400 रुपीज। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 10, इंट्री पे 57,700 रुपीज। देन यहाँ से आप डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे उसकी एलिजिबिलिटी दी हुई है। वैकेंसी आई है वीर नर्मद दक्षिण गुजरात यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर कैंडिडेट को ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड सेंड देयर एप्लीकेशन विद नेसेसरी डॉक्यूमेंट थ्रू स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या इन पर्सन।
हैंड टू हैंड भी यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं ऑन बिफोर 18 अप्रैल 2024 बाय 6 PM। इनसे रिलेटेड सारे डिटेल को आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, यहाँ आपका यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिया हुआ है। एंड गाइज यहाँ पर कैंडिडेट को 8 कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की सबमिट करनी है। एप्लीकेंट नीड टू सबमिट 8 कॉपी 1 ओरिजिनल प्लस 7 फोटोकॉपी हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन अलोंग विद ऑल एसेंशियल सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। अप्लाई करने से पहले इसकी फुल डिटेल को जरूर रीड कर लेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी है ग्लोबल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से। ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु से अप्रूव्ड है एंड भारती दर्शन यूनिवर्सिटी से अफिलियेटेड है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी पीजी विद पीएचडी या नेट या सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ वैकेंसी की डिटेल दी हुई है। तमिल में 1 सीट है, इंग्लिश में 3 सीट है, कॉमर्स में 3 सीट है, मैनेजमेंट में 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 4 सीट है, न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स में 2 सीट है, मैथमेटिक्स में 1 सीट है, फिजिक्स में 1 सीट है, फिजिकल एजुकेशन डायरेक्टर में 1 सीट है, लाइब्रेरियन में 1 सीट है, वॉलीबॉल कोच में 1 सीट है। बेसिक सैलरी यहाँ पर नॉर्म के अकॉर्डिंग रहेगी। एलिजिबल कैंडिडेट बिफोर 25 अप्रैल 2024 अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई थ्रू मेल एंड पोस्ट करना है। मेल करने के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी दिया हुआ है, पोस्ट करने के लिए यहाँ पर पोस्टल एड्रेस दिया हुआ है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर 2 नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। यहाँ से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट है मार्केटिंग, जनरल मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, लॉ, न्यू एज जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कॉमर्स। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट एंड सेंड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द सेम ओनली टू। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ आपका एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है एंड इसे आप इस ईमेल आईडी में सेंड करेंगे बाय 25 अप्रैल 2024। नेक्स्ट वैकेंसी महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से है। ये बिलासपुर में स्थित है। यहाँ से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है एंड ये वैकेंसी इन 7 डिपार्टमेंट में है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसमें प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, इसमें प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीट है। देन डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में हिंदी एंड इंग्लिश में वैकेंसी है। प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में वैकेंसी है। प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ योगा में वैकेंसी है। प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 सीट है। देन डिपार्टमेंट ऑफ ज्योतिष में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 सीट है। यहाँ अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यूजीसी, एआईसीटीई एंड यूनिवर्सिटी के नॉर्म के अकॉर्डिंग रहेगी। कैंडिडेट को यहाँ पर मेल के थ्रू अप्लाई करना है। प्लीज सेंड योर बायोडाटा अलोंग विद एजुकेशनल मार्कशीट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थ्रू मेल बिफोर 25 अप्रैल 2024। यहाँ पर मेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पर मेल करेंगे एंड यहाँ पर फोन नंबर भी दिया हुआ है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है ASBM यूनिवर्सिटी से। यहाँ से फैकल्टी पोजीशन की वैकेंसी है एंड ये वैकेंसी है मार्केटिंग मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंग्लिश एंड सॉफ्ट स्किल, लॉ, ऑपरेशन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड फाइनेंस, ओबी, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव टेक्निक एंड मैथमेटिक्स में। आप बिलो 65 ईयर्स रिटायर्ड प्रोफेसर भी अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल जानने के लिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दिया हुआ है, यहाँ से आप सारी डिटेल को चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को यहाँ पर हार्ड कॉपी सेंड करना है। अप्लाई इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन हार्ड कॉपी विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट विद इन 7 डेज एंड ये इसके लिए एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पर हार्ड कॉपी को सेंड करेंगे। ओके गाइज, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।